हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर दोस्तों प्रोडक्शन वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग इस टॉपिक को लेकर ज्यादातर इंजीनियर्स कंफ्यूज रहते हैं सबको लगता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज है ये एक ही कॉन्सेप्ट्स हैं और इवन वर्किंग इंजीनियर्स जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन्हें भी इसका डिफरेंस नहीं पता रहता है तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंसेस तो पहला डिफरेंस ये है कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कि किसी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है और मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है प्रोडक्शन एक ब्रॉडर टर्म है और मैन्युफैक्चरिंग एक टर्म है. में प्रोडक्शन में कंपनी का जो ओनर होता है या कंपनी होती है उसके पास रॉ मटेरियल होता है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल कहीं से कंपनी प्रोक्योर करती है किसी सप्लायर से या डिफरेंट सोर्सेस से वो रॉ मटेरियल ख़रीदती है प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही बात करता है एज एन आउटपुट मतलब प्रोडक्शन का आउटपुट कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है गुड्स भी हो सकते हैं या फिर सर्विसेज भी होती हैं पर मैन्युफैक्चरिंग का आउटपुट हमेशा गुड्स ही होते हैं प्रोडक्शन का जो आउटपुट है वो हमेशा टंजिबल भी हो 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 ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है वो टेंजिबल भी होता है और नॉन टेंजिबल भी होता है अब कई लोगों को इसका डिफरेंस नहीं होता होता है कि टेंजिबल क्या है और नॉन टेंजिबल क्या है टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो हम टच करके फील कर सकते हैं और नॉन टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जो हम टच करके फील नहीं कर सकते हैं टेंजिबल में जैसे कि कोई भी आपकी ट्रैक्टर शीट हो गई आपका कोई ट्रैक्टर हो गया बाइक हो गई ये टेंजिबल थिंग्स हैं आपका कोई सॉफ्टवेयर हो गया वो नॉन टेंजिबल है और मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट होता है वो टेंजिबल ही होता है मैन एक कंपलसरी रिसोर्स है प्रोडक्शन में पर मैन्यूफैक्चरिंग में मैन मशीन ये दोनों ही एक कंपलसरी रिसोर्स हैं हर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है पर हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता ही है प्रोडक्शन बहुत लेस कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये एडिशन ऑफ़ यूटिलिटीज़ की बात करता है यूटिलिटीज़ क्या होती हैं उपयोगिताएँ है. मतलब यूजफुलनेस तो प्रोडक्शन लेस कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि उसकी यूजफुलनेस ऐड करता है ये यूज़फुलनेस ऐड करता है और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक मैन मटीरियल मशीन मैथड मदर नेचर सबके साथ तालमेल बैठाने का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हमें तालमेल इनसे ऐसे बैठाना है इनसे ऐसे कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि जो प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है जो कि टेंजिबल है वो अच्छे से अच्छा निकले और हाई uh, प्रोडक्टिविटी हो तो उस हाई मैन्युफैक्चरी बेटी हो या फिर आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी हो मतलब वो अच्छे रेट से बने और अच्छी क्वालिटी हो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे तालमेल बैठाने पड़ते हैं सिक्स एम के और uh, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है दोस्तों जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे हम बेच भी सकते हैं और नहीं भी बेच सकते हैं प्रोडक्शन में पर यह है ये एक यूटिलिटी ऐड करता है क्रिएट करता है यूटिलिटी मतलब उपयोगिता यूजफुलनेस पर मैन्युफैक्चरिंग में टेंजिबल प्रोडक्ट निकलता है और ये बिकता ही बिकता है और हमने ये पढ़ा था अभी कि प्रोडक्शन में जो इन आउटपुट इनपुट होता है वो आउटपुट में चेंज होता है ठीक है दोस्तों और आउटपुट हमारा टेंजिबल भी हो सकता है नॉन टेंजिबल भी हो सकता है तो इनपुट के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है जैसे कि आउटपुट के लिए अप्लाई होती है कि प्रोडक्शन में इनपुट भी टेंजिबल भी हो सकता है नॉन टेंजिबल भी हो सकता है पर मैन्युफैक्चरिंग में इनपुट हमेशा टेंजिबल ही यूज होता है क्योंकि हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अब कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं प्रोडक्शन के एक पम्प की असम्बली कर रही है कोई कंपनी तो पम्प के सारे पार्ट्स कंपनी ही बनाती है रॉ मटीरियल उसका ही है तो उस केस में वो प्रोडक्शन हो गया हम कोई वेबसाइट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन हो गया पर मान लीजिए कोई कंपनी है वो क्रैंकशाफ्ट बना रही है फ्रोर्जिंग प्रोसेस से तो वो उसके लिए बिलेट्स लेती है बिलेट्स वो किसी बाहर की कंपनी से लेती है यानी वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई कोई कंपनी सीड कुशंस बना रही है तो उसके लिए वो केमिकल्स लेती है पॉली प्रोसेस से बन रहा है तो उस केस में वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई दोस्तों ये लेक्चर यहीं तक था आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा मैं अपने इस चैनल पे और भी कई सारी ट्रेनिंग्स आपके लिए लाता रहूँगा जो कि आपके करियर के लिए एक अच्छा पर्सपेक्टिव ऐड करेगी आपके करियर करियर में आपको ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेगी तो मेरा मनोबल बनाए रखें दोस्तों मुझे मोटिवेट करते रहें और वो आप कैसे करेंगे लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें मेरे चैनल को थैंक यू